देख रहे हैं हरियाणा टुडे, अपना प्रदेश अपना चैनल। यमुनानगर के कस्बा बिलासपुर के गांव पेंसिल में आज 2.5 एकड़ में बनी पार्क कम व्यायामशाला का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन समारोह में हरियाणा हेल्थ केयर बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर ऋषिपाल सैनी ने शिरकत की और अपने कर कमलों से व्यायामशाला का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की सोच है कि ग्रामीण क्षेत्र में भी शहरों जैसी सुविधाएं मिले, जिसके लिए उन्होंने आज प्रथम चरण में पूरे प्रदेश में 401 व्यायामशालाओं का शुभारंभ किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की सोच है कि ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, जिसके लिए उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र की छुपी हुई प्रतिभाओं को एक प्लेटफॉर्म देने का काम किया है। आज पूरे प्रदेश भर के अंदर 401 व्यायामशालाओं का उद्घाटन एक ही समय में 8 बजे पूरे प्रदेश भर में किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सोच है वो है कि हमारा जो ज़्यादातर हरियाणा है वो गांव के अंदर बसता है, और गांव के अंदर अगर ऐसी सुविधाएं दी जाएं तो हमारे जो गांव के बच्चे हैं वो शहरों से आगे निकल सकते हैं। ये खान पान का फर्क है, और खान पान के साथ अगर इनको साथ साथ में व्यायाम के द्वारा और खेलों के द्वारा आगे निकाला जाए तो बच्चे बहुत आगे निकल सकते हैं। वहीं ग्रामीणों ने भी सरकार के इस प्रयास की सराहना की है। सुविधा देना सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम आम लोगों के आवासियों के लिए ये सुविधा दे रखी है, इसका हमें भरपूर फायदा उठाना चाहिए। इससे हमें 4 प्रकार के स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। सबसे पहला जो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य मिलेगा, इसके माध्यम से हम अगर हम अच्छी एक्सरसाइज कर पाएंगे तो बीमारियों से दूर रह पाएंगे। और कुछ ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे प्रतिभाएं होती है जो कि उचित मंच नहीं मिलता पाता है, जिसकी वजह से हमारे शहरी क्षेत्र से पिछड़ जाते हैं, और हमारे हरियाणा के जो उच्च स्तर के जो क्षेत्र थे जहाँ पर हम प्रतिभागी बन के हम अपने प्रांत का नाम रोशन कर सकें, उसके लिए सरकार ने अच्छा मंच दिया है। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों व चेयरमैन ने भी अनेक योगासन किए। ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को मंच देने के साथ ही लोगों के बेहतर स्वास्थ्य की तरफ सरकार का एक कदम काबिले तारीफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा टुडे। MR का टीका, स्वस्थ जीवन का तरीका।